साहब तो खाने को दे दे, दो दिन से भूखा हूँ, कुछ भी नहीं खाया गालियों के अलावा। खाना खाने की जरूरत पहले पड़ती थी, अब इसकी वीडियो देख के भूख और जीने की इच्छा दोनों साथ में मर जाती हैं। अरे बहन, मुंह में खाना डाल रही है या डस्टबिन में कचरा है? ये खाना खाती वाती नहीं है, ये उसको खत्म करती है इससे पहले कि कोई और खा जाए। और वैसे भी सच्चा प्यार तो वही होता है ना जहाँ आप अपने प्यार को किसी और से बांटना ना चाहो। मेरा खाने की तरफ बहुत ज्यादा प्यार है। I love to eat and I love food. अरे हाँ, हमारी प्लास्टिक की शेरनी खाने से बहुत ज्यादा प्यार करती है। ये देखो कितने प्यार से खा रही है अपने प्यार को। ए थाम्बा थाम्बा, हाथी की सूंड से निकली हुई पानी की बूंद, ये कैसा प्यार है? और अगर ये प्यार है तो अगर ये किसी से नफरत करेगी तो उसको तो जिंदा खा जाएगी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। ए बेवड़ी, क्या कर रही है? ये मेरी लव लैंग्वेज है। अच्छा चलो फिर, ठीक है। मेरे हाथ का है। I love food. पर प्यार कभी भी एक तरफा नहीं होता ना मेरी बिना घड़ी की घड़ी हाल, तो दूसरी पार्टी से भी पूछ लो कि वो तुमसे प्यार करती भी है कि नहीं। पक, 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 पक। सर, क्या आपको ये रिश्ता कबूल है? काहे का रिश्ता, हम इतने अंडे नहीं दे पाते जितने ये भूखी राक्षसी उंगली से अपने मुंह में धकेल देती है। अरे सर, वो तो प्यार है उसका, प्यार करती है ना वो आपसे। हैं, ये कौन सा प्यार है जहाँ प्रेमिका मेरे 4 बच्चे खा गई? बचाओ। कभी कभी तो लगता है कि डायनासोर खत्म नहीं हुए, मैडी इट को उनसे प्यार हो गया था। बाकी इसका प्यार इसको दर्द भी बहुत ज्यादा देता है। और नदीम खान बोलते हैं कि ये है सच्चे यूट्यूबर जो हमारे लिए अपनी जान से खेल जाते हैं। नदीम बेटे वो सरहद पे खड़े होकर गोली नहीं खा रही है, अपने घर में बैठ के महंगा कचरा खा रही है। मतलब ये नदीम जैसे लोगों का तो मुझे समझ ही नहीं आता, ये अपनी जिंदगी में हर चीज में इतने पॉजिटिव कैसे? अगर उसने 5 जोलो चिप्स खा भी ली तो उसमें तेरा क्या फायदा नदीम? तो उससे मेरा क्या फायदा? हाँ दोस्तों, एक मजेदार चीज भी है, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप मजे करते करते पैसे कमा सकते हैं। जी हाँ, ये है एविएटर गेम जो कि इंडिया में मोस्ट पॉपुलर गेम है और ये बहुत ज्यादा इजी है खेलना और उससे ज्यादा इजी है यहाँ पर जीतना। यहाँ पर आपको जो प्लेयर दिख रहे हैं ये हर मिनट में रियल कैश जीत रहे हैं। जी हाँ, असली पैसा। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा किसी ने 135 रुपए जीते हैं, किसी ने 250 रुपए, किसी ने 127 रुपए, ऐसे सब लोग अपने अपने हिसाब से जीत रहे हैं। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसको खेलना कैसे है। 1xBet के पास है मोस्ट इंटरेस्टिंग कैसीनो एंड गेम्स, मतलब 500 से भी ज्यादा, आप इमेजिन कर सकते हैं। और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि 1xBet जो है वो 50 से भी ज्यादा कंट्रीज में ऑपरेट हो रहा है, वो भी पिछले 20 साल से। हाँ, मिलियंस ऑफ पीपल जो है पूरी दुनिया से और इंडिया से भी 1xBet को चूज करते हैं रियल कैश मनी जीतने के लिए। तो अभी अपने स्मार्टफोन में 1xBet डाउनलोड कीजिए या फिर नीचे दिए गए लिंक से जाके रजिस्टर कीजिए। और हाँ, मेरा प्रोमो कोड जरूर इस्तेमाल कीजिए। ओके, आई एम बैक विद Q&A। आज टेबल पे खाना नहीं है, सिर्फ आप है। सिर्फ आप मतलब हमको टेबल पे पटक के खाएगी क्या? दोस्तों, हमें यहाँ पे एक बंदा मिला है, क्या आपने मैडी इट्स को सब्सक्राइब किया है? जी हाँ किया है ना, ये देखिए। अरे वाह, तो फिर चलो। कहाँ? हेलो गाइस, तो आज हम खाने वाले सब्सक्राइबर मुरब्बा। यहाँ हमसे 2 प्लेट चावल पूरे खाते नहीं बनते और ये भूखी चुड़ैल की चाची 2 कुकर भर के चावल खा जाती है। इसको देख के मुझे तो ऐसा लगता है कि साउथ की मूवी में हीरो के गांव वालों को भूखा मारने के लिए विलेन ने एक राक्षस हायर किया हुआ है जो आता है और गांव वालों का पूरा खाना खा जाता है। हेलो गाइस करता हुआ आता ऊपर से। हेलो गाइस। माँ बाप सोचते हैं कि बच्चा जब बड़ा होगा तो बोलेगा, मम्मी पापा आप काम मत करो, मैं हूँ ना। यहाँ आंटी की आधी जिंदगी किचन में निकल रही है, माँ बेचारी बना बना के थक जाती है, बेटी वो इंसान भी खा ले तो भी उसकी भूख शांत ना हो। सही बता रहा हूँ, मैं होता अगर आंटी की जगह तो हॉस्पिटल वालों पे केस कर देता कि ये मेरा बच्चा हो ही नहीं सकता। मेरा क्या, ये किसी भी इंसान का बच्चा नहीं हो सकता, इतना कैसे खा रहा है? और ऊपर से इस बच्चे को जादू करना भी आता है, बीच में खाना गायब भी कर देता है। अरे वो जादुई दुनिया की भूखी सोडा बोतल, इतना तो खाना अंदर नहीं जा रहा जितना बाहर गिर रहा है। यहाँ पर दुनिया कमेंट में जंग लड़ रही है कि इसको दानव बोले या राक्षसी, और यहाँ पर ये चालबाज छचुंदर दुनिया को उल्लू बना रहा है रास्ते में खाना गायब करके। पकड़ लिया
साड़ो। पर दोस्तों उसको गलत मत समझो, बेचारे स्टैंड को भूख लग गई होगी, उसके सामने इतना सारा खाना खाती रहती है, उसने भी हाथ बटा दिया होगा, जैसे कभी कभी उसके मम्मी पापा दोनों आ जाते हैं मुंह बटाने। स्पाइसी फुल फन है, कुछ तो फन होगा इसमें। ये अरे वाह मजा आ गया यार, इतना फन तो कभी किया ही नहीं जिंदगी में। यही तो असली फन है दोस्तों जिंदगी का, कि तीन भूखे लोगों को इस प्रकार से खाना खाते देखूं कि उनको जिंदगी में दोबारा खाना मिलना ही नहीं है, ना नको बिल्कुल नहीं। और पूरी दुनिया टोक टोक के परेशान हो गई कि इंसानों की तरह खाना खाया जाता है, मुंह से आवाज नहीं आनी चाहिए जब खाना खा रहे हो, पर नहीं ये तो भैंसों की तरह चरते हैं, चर चर चर। पर दुनिया इनसे कुछ बोल भी नहीं सकती ना, क्योंकि ये दानव पूरी दुनिया खाने का दम रखते हैं। और अगर ऐसे किसी को खाते हुए देखना फन है तो वेटर की जिंदगी सबसे ज्यादा मजे में जा रही है। Enjoy your meal, sir. Thank you. कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं सर। खाना है क्या आपको? नहीं नहीं सर, आप खाइए आप खाइए। ए जाना, खाना खाने दे यहाँ से, क्यों खा रहा है? सर मैं तो फन कर रहा हूँ। इधर आ साले, तुझे मैं करवाऊँ फन। स्कूल में पेरेंट टीचर मीट में किसी बच्चे को तुमने इतना घबराया हुआ बैठा नहीं देखा होगा जितना ये पापा की दानवी अपने पापा को इतने सारे खाने के सामने घबरा के बिठवा देती है। So, आज मैं आ गई हूँ पापा के साथ एंड आज हम खाने वाले होल फिश एंड एक्स्ट्रा ग्रेवी। पापा ए, इतना सारा खाना रखा है सामने दानव मोन मेरी प्यारी बिटिया, उसको खा ले, पापा को क्यों खाना है? अब समझ आया है इसके पापा इतने घबराए हुए क्यों बैठे रहते हैं, क्योंकि इतना सारा खाना रखा है, वो खाते खाते भी अगर बेटी की भूख ना मिटी तो कहीं हमें ही ना मिटा दे। हेलो गाइस। हेलो। तो आज जैसा कि पापा के साथ खाना खाए, बड़े मजे आए, पापा कैसा लगा? पेट भर आ गया बेटी, मजा आ गया। पर मेरा पेट नहीं भरा पापा, मुझे अभी भी भूख लगी है। ये ले बेटी मोबाइल खा ले। इतनी भी भूख ठीक नहीं है बेटी। पर मेरा पेट तो अभी भी नहीं भरा पापा, मैंने तो पहले ही कहा था कि आज खाने के साथ पापा को खाएंगे। बेटी तूने तो बोला था कि पापा के साथ खाना खाऊंगी। नहीं पापा, पापा को खाने के साथ खाएंगे। नहीं बेटा, मैं अचार पापड़ थोड़ी ना हूँ जो मुझे खाएगी। हाँ पापा, आप तो डिजर्ट। और इसके बाद मैडी दीदी ने हमारे लिए, जी हाँ हम सबके लिए, अपनी जान खतरे में डाल के जोलो चिप्स खाई। आई विल डू इट For you guys. यार ये मैडी दीदी कितनी अच्छी है यार, इतना तो मेरे लिए किसी ने नहीं किया, अब तो प्यार की परिभाषा जोलो चिप्स से लिखी जाएगी। जब भी कोई मेरे से बोलेगा कि वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है तो पहले उसको जोलो चिप्स खिला के चेक करूंगा कि ले ये खा के बता। भाई उस दिन तूने बोला था ना कि तू मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। कुछ भी कर सकता हूँ भाई तेरे लिए। तो मैं एक चीज बोलूंगा करके दिखाएगा। क्या करना है? ये ले जोलो चिप्स खा ले। पर इसमें तेरा क्या फायदा है? ये तो मैडी दीदी ने नहीं बताया, पर जब वो मेरे लिए जोलो चिप्स खा सकती है तो तू क्यों नहीं खा सकता? वर्ल्ड्स हॉटेस्ट चिप चैलेंज, डेड और अलाइव? अरे दीदी ऑब्वियसली डेड, जिंदा लोग वीडियो थोड़ी डालते, जिंदा लोगों को इंटरनेट का एक्सेस ही नहीं मिलता, सिर्फ हम मरे हुए लोगों को। मैं भी तो ये वीडियो नर्क से ही डाल रहा हूँ। अब पहुंचा ना तू अपनी असली जगह नर्क। हेलो, आपके बाजू वाले कमरे में ही हूँ मैं, मुझे खाने मत आ जाना बस। दोस्तों आप विश्वास नहीं करोगे, ये तो वही आदमी है जो दिन में 10 किलो से भी ज्यादा जानवरों का कच्चा मांस खा जाता है। और हद तो तब हो गई जब ये जंगली आदमी दुबई घूमने के लिए गया, तो वहाँ भी ये घूमते घूमते अर्ज किया है, शायरी ऐसी मारो कि सब दाद दे, शायरी ऐसी मारो कि सब दाद दे, मैडी बहन इतना भी हर कुछ मत खा कि तू अपनी क्रश के सामने जाए और जाके पात दे। इतनी जोलो चिप्स में कहां कहां से धुआं निकलेगा पता भी नहीं चलेगा, और जान तो ऐसी जगह से निकलेगी कि मुड़ के देख भी नहीं पाओगे। पर ये शाणे कबूतर की सूखी पूंछ ने जोलो चिप्स के पैकेट में आम पापड़ भर लिए और उनको भर के खा रही है। ये हरी कलर की कौन सी जोलो चिप्स होती है? तुम्हारी जोलो चिप्स को हरे कलर का तोता ग्रीन जेम्स खा के चाट के गया था क्या? जो उसके ऊपर की मिर्ची भी अड़ गई और हरी भी हो गई वो। नीचे देखो राइट कॉर्नर पे दिख रही है असली जोलो चिप्स। मेरे घर वाले, मेरे मम्मी पापा बिल्कुल भी आज बिल्कुल भी खुश नहीं है, उनको लग रहा है पता नहीं आज क्या हो जाएगा। हाँ, सरहद पे जंग लड़ने जा रही ना उनकी बेटी कि न जाने क्या होगा। अरे जब पता है कि सांप के डंक मारने पे मर जाते हैं तो सांप की पप्पी लेने जाने क्यों दे रहे हैं माँ बाप। अभी दो डंडे मारो और घर पे मुर्गा बनाओ अलग। ए, मैं सजा वाले मुर्गे की बात कर रहा हूँ, ये खाऊ खवैया अभी कोई मुर्गा ला के उसकी गर्दन हलाल कर देंगे। नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल मत करना, ना नको बिल्कुल नहीं। और इतनी बार इस बिचारी को इसकी स्कूल में मुर्गी नहीं बनाया होगा जितनी इसकी मम्मी घर पे रोज मुर्गी बना देती है, ले देके इतना सारा चिकन लेके बैठ जाती है खाने। तो आज मैं खाने वाली हूँ 20 चिकन तंगड़ी एंड बारबेक्यू चिकन, साथ में चिकन बर्गर्स। शोले मूवी में माँ बच्चों से बोलती थी कि सो जा बेटा वरना गब्बर आ जाएगा, यहाँ जब मुर्गी अंडे देती है तो उसको छुपा के बोलती है कि बाहर मत आना वरना मेड इट्स की मम्मी आ जाएंगी, जिंदा पका देती हैं वो। और दोस्तों पक तो मैं भी जिंदा ही रहा हूँ, जब से चैनल पे व्यूज नहीं आ रहे, रीच कमजोर है, तो आपके सपोर्ट की जरूरत है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, फेवरेट पार्ट कमेंट करना, चैनल सब्सक्राइब करना। ओके, बाकी हम मिलते अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय। मम्मी अब खाना कैमरा खोल के खाएंगे क्या? मतलब मुंह खोल के खाना बेटर ऑप्शन है।